गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। आपकी समस्या समाधान विधि कंप्लीट हो गई है। अब आपकी जो विधि आती है वो प्रायोजना विधि आती है। प्रायोजना विधि एक तरह से प्रयोग करके सीखने वाली विधि कहलाती है। अब प्रायोजना विधि को, प्रायोजना विधि से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के जो टिप्स हैं, जो तथ्य हैं, वो मैं आपको एक तरह से बता रही हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर प्रायोजना विधि, इसका उद्भव कब से हुआ था? तो आधुनिक प्रयोजनवादी विचारधारा के आधार पर, प्रयोजनवादी विचारधारा के आधार पर इसका हुआ। अब इसे सबसे पहले श्रेय किसको जाता है? तो जॉन डेवी की आधार किसने माना इस विधि को? जॉन डेवी ने माना, जॉन डेवी ने इस विधि को आधार बनाते हुए उनके जो शिष्य थे जॉन डेवी के, वो कौन थे? किलपैट्रिक, डब्ल्यू एच किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने क्या किया था? किलपैट्रिक ने इस विधि को प्रस्तुत किया। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि इसका प्रादुर्भाव कब से हुआ था? आधुनिक प्रयोजनवादी विचारधारा से, ठीक है, इसको आधार बनाते हुए। जॉन डेवी ने तो सिर्फ एक आधार बनाया था इसको, और लेकिन उसके शिष्य ने कौन शिष्य थे? डब्ल्यू एच किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि को प्रस्तुत किया था। अगर आपके एग्जाम में डब्ल्यू एच किलपैट्रिक और जॉन डेवी है, तो आप इसको डब्ल्यू एच किलपैट्रिक को ही डालोगे। अन्यथा अगर ये आपके पास नहीं है और जॉन डेवी है, तो आप जॉन डेवी को लिखोगे। क्लियर हो गया? अब अब इस विधि का जो स्वरूप है वो कहाँ से आया था? महात्मा गांधी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वहां से इस विधि को, महात्मा गांधी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वहां से इस विधि को क्या मिली थी? एक तरह से योजना में ये क्या है? दर्शनीय है, मतलब एक तरह से प्रेजेंट किया जाता है प्रायोजना विधि। अब विलियम कॉर्बेट ने विलियम कॉर्बेट ने अपनी पुस्तक, क्या नाम है उस पुस्तक का? एडवाइस ऑफ यंग मैन में अपने स्वयं के बालकों के लिए क्या किया था उसने? स्वयं के बालकों के लिए ग्रामीण प्रायोजनाओं का वर्णन किया था, ग्रामीण प्रायोजना का वर्णन किया था। विलियम कॉर्बेट ने उनकी एक पुस्तक थी एडवाइस ऑफ यंग मैन, उसमें उन्होंने अपने स्वयं के बालकों के लिए, ठीक है, स्वयं के बालकों के लिए किसका वर्णन किया था? ग्रामीण प्रायोजना का वर्णन किया था, जिसके अंदर प्रायोजना से रिलेटेड बहुत सी बातों को उन्होंने बताया था। इसी तरह रूसो ने
रूसो ने एमिल रूसो में एमिल में फ्रॉबेल फ्रॉबेल ने एजुकेशन मैन एजुकेशन मैन एजुकेशन मैन में क्या किया था इन्होंने शिक्षा में क्रियाओं पर बल दिया था किसने दिया था रूसो ने एमिल में किस क्या दिया था फ्रॉबेल फ्रॉबेल ने एजुकेशन मैन के अंदर एजुकेशन मैन मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी क्रियाकलाप थे उस पर बल दिया था क्योंकि जो प्रायोजना विधि है वो करके सीखने पर बल देती है तो उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज करी जाती है तो उससे रिलेटेड बातों को एक तरह से उन्होंने अपनी एजुकेशन मैन में उन्होंने उसके बच्चों से रिलेटेड एजुकेशन में क्रियाओं पर बल दिया था। फिर नेक्स्ट आता है इसने अब जो प्रायोजना विधि थी सबसे पहले व्यवसाय क्षेत्र में इस पर बल दिया गया था और इसमें क्या किया गया था सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में इसका श्रेय किसको जाता है इसका श्रेय जाता है अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम किनपैट्रिक को है और ये भी कौन थे मैंने ऊपर ही आपको बताया था ये भी कौन थे शिष्य थे किसके थे जॉन डीवी के शिष्य थे। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसको सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग व्यवसाय शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था और उसके बाद सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में अब सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में श्रेय किसको जाता है नॉर्मली अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम किलपैट्रिक को जाता है। तो प्रायोजना विधि के जो प्रवर्तक कौन थे वो विलियम किलपैट्रिक थे। ओके अब बात आती है प्रायोजना विधि बेसिकली होती क्या है तो प्रायोजना विधि का जो निर्माण है वो इंजीनियरिंग मतलब टेक्निक उस चीज से हुआ है मतलब लिखो इसके अंदर प्रोजेक्ट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है इंजीनियरिंग विज्ञान की देन है इंजीनियरिंग ठीक है। दूसरी बात इसमें आती है किसी कार्य को प्रतिफल कौशल या मॉडल के रूप में बनाने से पूर्व उसकी प्रायोजना बनाई जाती है जिसको प्रोजेक्ट कहा जाता है
कार्य करने से पूर्व हम जो एक योजना का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रायोजना विधि कहते हैं। अब बेसिकली जो प्रायोजना विधि होती है वो क्या होती है, करके सीखने पर बल देती है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को भी क्या माना जाता है, बच्चे भी एक तरह से उस चीज़ को, उस योजना को बनाते हैं, और जब उस योजना का निर्माण करते हैं या उनका जो उनके द्वारा भी जो कार्य दिया जाता है, अध्यापक के द्वारा भी विषय अपने बच्चों को जो कार्य दिया जाता है, वो उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है बच्चे उसके अंदर एक योजना, एक प्लानिंग के साथ पूरी की पूरी कार्य करते हैं। तो ये माना जाता है किसी कार्य को प्रतिफल कौशल या मॉडल के रूप में बनाने से पूर्व, क्योंकि हमारे पास ये कार्य है उसको हमें मॉडिफाई करना है, उसे एक क्लियरली प्रेजेंट करना है, तो उस प्रेजेंटेशन के लिए हमें उसका योजना बनाई, उसकी प्रायोजना बना देनी चाहिए, पहले से उसे योजना का निर्माण कर देना चाहिए। इसलिए ये विधि भी किस पर बल देती, क्रियाओं पर बल देती है। इसलिए एजुकेशन सेक्टर में क्रियाओं के साथ साथ जो भी बातें आती है, जो जिस चीज़ से हम प्रेजेंट को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, वो किस पर बना सकते हैं, प्रायोजना विधि से बना सकते हैं। तो प्रायोजना विधि क्या थी कि किसी भी कार्य को, कोई भी शिक्षण कार्य है उसको कौशल बनाने से पूर्व जो योजना बनाई जाती है उसे प्रायोजना पद्धति विधि कहते हैं। अब इससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका होमवर्क है प्रायोजना विधि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, प्रायोजना विधि की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। घर पर ये सुरक्षित है। थैंक यू।